नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन वॉकी टॉकी की एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसे वॉकी की बात करेंगे जो वॉकी टॉकी या टू वे रेडियो इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल ही नया आविष्कार है। इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इस हाइब्रिड वॉकी टॉकी की। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी जो रेंज है वो 2, 5, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर नहीं, अनलिमिटेड रेंज है। 5,000, 10,000, यहां तक कि आप अमेरिका से इंडिया भी बात कर सकते हैं। यानी कि अगर एक वॉकी यूएस में है और एक इंडिया में, तो भी इतनी दूर की डिस्टेंस पे बात हो जाएगी। अभी क्या है, कैसे काम करता है और क्या खास बात है, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों ये जो वॉकी है ये इंडिया में आपको मिलेगा संचार कंपनी का। सबसे अच्छी बात है मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में ही बनता है। और क्वालिटी वाइज इसकी एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। इस तरह से इसका छोटा सा कंफर्टेबल बॉक्स आता है। इस बॉक्स को अगर हम खोलेंगे तो इसमें यूजर मैनुअल आपको मिलेगा जो इस हैंडसेट के बारे में मेजरली जितने भी फंक्शन है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेगा। हम पूरे वीडियो में हर फंक्शन को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्विकली इसको अनबॉक्स करेंगे। दोस्तों ये हमारा सबसे ऊपर, उसमें ऊपर इसमें हमारा ये रेडियो है। और इस रेडियो में एक सिम इंसर्ट करनी होती है। दिस इज अ सिम बेस्ड रेडियो। देखिए मैंने ऑलरेडी एक सिम इसमें इंसर्ट करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह सिम लग जाती है इसमें, है ना। तो ये एक हमें रेडियो मिलेगा, इसको नीचे हम खोलेंगे तो हमें ये मिलेगी इसकी बैटरी। 4000 mAh की बहुत अच्छी बैटरी है। ये आपको अप टू 2 days तक का आराम से बैटरी बैकअप दे सकती है। नॉर्मल वॉकीज की तरह इसको भी हल्का सा हम स्लाइड करेंगे तो ये बैटरी हमारी लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक बेल्ट क्लिप है स्क्रूज के साथ। ये बेल्ट क्लिप दोस्तों यहाँ आराम से पीछे जो इसमें इसके स्पोक जी इसमें कस जाएगा बेल्ट क्लिप, सो दैट आप उसको बेल्ट में आराम से लगा सकें। और इसका एंटीना है छोटे साइज का, करीब करीब मान के चलिए 2 इंची का एंटीना है। ये यहाँ एंटीना इधर स्क्रू हो जाएगा। ये इसका हैंड स्ट्रैप है, अगर आप चाहें इसको लगाना तो यहाँ जो उसका हैंड स्ट्रैप का क्लिप है यहाँ हैंड स्ट्रैप लग जाएगा, तो उसको हाथ में भी हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये इसका चार्जर है। चार्जर इसका डॉकिंग चार्जर इसके साथ नहीं आता, इसका सिंपल यूएसबी टाइप का चार्जर आता है। और चार्जिंग पिन ये यहाँ लग जाती है, मैं आपको चालू भी करके दिखाऊंगा कैसे लगता है। बिल्कुल सी टाइप चार्जर है, यहाँ लग जाएगा। आप इसको प्लग में लगाएंगे तो दिस विल बी ऑन, यहाँ आपको चार्जिंग लाइट दिखाई देगी, मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलिए दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने से करीब 5 से 7 सेकंड लेता है ऑन होकर के, पूरी तरह बूट होकर के चालू होने में। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। तो जब तक ये बूट हो रहा है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बड़ी स्पेशल टेक्नोलॉजी है, ये बहुत अच्छा डिजाइन है। ये हुआ क्या है, यूजुअली अगर आप नॉर्मल वॉकी टॉकीज अगर लेते हैं मार्केट से, उनकी क्या रेंज आती है मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या बहुत से वक्त 5 किलोमीटर, इससे ज्यादा वो नहीं चलता है। अगर आपको उससे ज्यादा की रेंज चाहिए तो आपको रिपीटर इंस्टॉल करना पड़ता है, याद रखिए दोस्तों। और एक रिपीटर से आपको 10 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज आपको नहीं मिलती है एक रिपीटर से। तो अगर आपको 50 किलोमीटर की रेंज चाहिए तो 5 रिपीटर लगाने पड़ेंगे। एक रिपीटर की जो कॉस्ट है वो करीब करीब 1.25 से 1.5 लाख के आसपास आती है। हमारे पहले वीडियो में हमने रिपीटर्स के बारे में भी बताया है खुल करके। तो नॉर्मल वॉकी टॉकी अगर आपके पास है तो उसमें आपको रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे या बेस स्टेशन चलाने पड़ेंगे जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आपको हार्डली 10 से 15 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, उसमें भी आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज है। लेकिन ये जो वॉकी टॉकी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दिस इज अ हाइब्रिड वॉकी टॉकी। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको ना रिपीटर लगाने की जरूरत है ना और कोई इक्विपमेंट लगाने की जरूरत है, आपको सिर्फ इसमें एक सिम कार्ड लगाने की जरूरत है, दैट्स इट। तो ये मैंने ऑलरेडी एक रेडियो अनपैक करके रखा हुआ है, इसमें भी एक सिम लगी है, इसमें भी एक सिम लगी है। आपको हर हैंडसेट में एक सिम लगानी है और कुछ नहीं करना। जैसे नॉर्मल वॉकी टॉकीज में पुश टू टॉक का बटन होता है, ये ऊपर आप देख सकते हैं पुश टू टॉक का बटन है, इसको दबा के हम बोलेंगे और आराम से इसमें आवाज जाएगी। देखिए आप, हेलो चेक 1 2, हेलो चेक 1 2, हेलो चेक 1 2, हेलो चेक 1 2, आवाज एकदम क्लियर है, आवाज एकदम क्लियर है। हेलो चेक 1 2, आवाज एकदम क्लियर है, आवाज एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये रेडियो क्या करता है, ये जो आपके वॉइस सिग्नल्स हैं, जो रेडियो सिग्नल्स हैं, उसको कन्वर्ट करता है डेटा और जीपीएस सिग्नल्स में।
उसके और उसको कम्युनिकेट करने के लिए आप जो सिम डालते हैं उसके डेटा और जीपीएस का सपोर्ट लेकर के उस सिग्नल को ये मोबाइल टावर के थ्रू वाया सैटेलाइट कम्युनिकेट करता है। यानी कि ये रेडियो सिग्नल जो रेडियो रिपीटर से आता उसको इसने डेटा सिग्नल में कन्वर्ट करा, जीपीएस सिग्नल में कन्वर्ट करा और आपके पास के मोबाइल टावर से होते हुए सिग्नल आपके पास कहीं भी पहुंच सकता है, जस्ट लाइक सेलफोन। उसी तरह से इसकी सिग्नल की राउटिंग होती है। अब दोस्तों इसमें और क्या खास बात है, देखिए इसमें मैं आपको उसका मेन्यू दिखाता हूं, थोड़ा हम कैमरा अगर चलाएं तो ये इसमें हमारे मेजरली 1, 2, 3, 4, 5 बटन है, ठीक है। ये आपको आपके ग्रुप का नाम नजर आएगा, आपकी कंपनी का नाम ही आपके ग्रुप का नाम है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है ABCD या ABCL प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ आपकी कंपनी शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हैं। तो ग्रुप का मतलब हो गया गाइस चैनल, मतलब जैसे हमारे पास चैनल नॉब होती है, इसमें चैनल नॉब नहीं है, इसमें चैनल नॉब की जगह हमारे ग्रुप्स बनते हैं, डिजिटल ग्रुप्स बनते हैं। मतलब एक ग्रुप में आप कितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं, 20, 50, 100 लोगों का एक चैनल बन सकता है, यानी कि एक ग्रुप बन सकता है। यूजुअली इसमें मिनिमम एटलीस्ट 10 वॉकीज पे ग्रुप बन सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 4 वॉकी लिए तो 4 पे अलग अलग ग्रुप बनेंगे, उसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि सबको कॉमन कम्युनिकेट करना होता है, यही वॉकी टॉकी का मेन उद्देश्य मेन मकसद होता है ना। तो आइए मैं वापस जाता हूँ, ये यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं स्क्रीन को। देखिए दोस्तों मैं यहाँ जाऊँगा और ये इधर मैं जाऊँगा तो यहाँ मेरे को मेरे ग्रुप का नाम दिखाई देगा, देखिए आपको GSC दिख रहा होगा इसमें, है ना। और अगर मैं इसी कीपैड से यहाँ आऊँगा तो मेरे ग्रुप में कितने मेंबर हैं, मैंने सैंपल के तौर पर उनका नाम डाला हुआ ABCD, मतलब चार लोगों का ग्रुप है, 4 वॉकीज का ग्रुप है। अगर लेट से आपकी कंपनी में आपकी टीम में 20 वॉकीज हैं तो आप उनका नाम भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी कंपनी का नाम GCAA, और जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम सौरभ है तो यहाँ सौरभ आ गया, यहाँ किसी का नाम यजस है तो यजस आ गया, यहाँ गौरव है तो गौरव आ गया, ऐसे करते करते या अपने डिपार्टमेंट्स के नाम डाल सकते हैं, उस बंदे के नाम डाल सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन अवेलेबल हमारे पास यहाँ पे है ना, कौन कौन हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ है, ठीक है गाइज। अच्छा अब हम बात करेंगे इसके, यहाँ आप जाएंगे तो ये आपको सेटिंग खुल जाएगी यहाँ पे इसकी, ये आपको आपके ग्रुप का नाम मालूम पड़ जाएगा। होम पे जाएंगे, होम की आ जाएगी, यहाँ से आपने मेन्यू का बटन दबाया, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, सेटिंग और संचार। सेटिंग में आप जाएंगे तो इसमें आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब दोस्तों अगर आपके बाई चांस किसी रीज़न से आप जिस लोकेशन में हैं वहाँ आपकी सिम नेटवर्क नहीं, मोबाइल नेटवर्क बहुत वीक है, तो आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसमें एंटर करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरे कनेक्शन से मैंने कनेक्ट कर रखा है, अगर आपको इससे लगाना है तो आप इसमें एंटर करेंगे, पासवर्ड मांगेंगे तो ऐसे छोटा कीपैड आपके पास आएगा, इस कीपैड के थ्रू आप इसमें पासवर्ड डाल करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ भी इसमें खोला जा सकता है, ब्लूटूथ के थ्रू अगर इसमें कोई प्रोग्रामिंग करनी हो, कोई डेटा ट्रांसफर करना हो, वो भी किया जा सकता है। लोकेशन इसकी ऑन की जा सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लोकेशन इसके लिए क्या काम करती है, लोकेशन ट्रैकिंग कैसे होती है। लैंग्वेज यहाँ से सेट की जा सकती है, डेट एंड टाइम और अबाउट इंटरफोन। अच्छा दोस्तों इसमें एक फीचर और आप इनेबल करा सकते हैं जो मैंने फिलहाल मेरे पास इनेबल नहीं करा सकते, डायलर का। तो डायलर से क्या होगा, आप इसमें फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को फोन कॉल करना है तो डायलर का फीचर इसमें ऑन हो जाता है, और जो आपको छोटी मैंने कीपैड दिखाई थी वैसी कीपैड आ जाती है, उसके थ्रू आप नंबर भी इसमें डायल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी खास बात क्या है, इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है इस पूरे वॉकी टॉकी की कि इसमें सिम इनेबल्ड होने के बाद आप इससे कितनी भी अनलिमिटेड रेंज तक बात कर सकते हैं। यानी कि अगर एक वॉकी मेरे पास जयपुर में है या दिल्ली में है और दूसरा वॉकी चेन्नई में भी है तो भी मेरी इससे बात हो सकती है। इवन आप इससे इंटरनेशनल लेवल तक का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वॉकी मेरे पास दिल्ली में है या जयपुर में है या बैंगलोर में है और एक वॉकी US में है, कनाडा में कहीं भी है, तो दूसरे वॉकी में आप इंटरनेशनल डेटा सिम डाल के कनेक्ट कर सकते हैं, या वहां का लोकल वाईफाई यूज करके भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर वहां सिम अवेलेबल नहीं है तो ये सिर्फ वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है, इसको सिर्फ डेटा पॉइंट चाहिए, वॉइस जो इसने जो अपना जो रेडियो सिग्नल को डेटा में कन्वर्ट करा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। अब उसको कई लोग ये पूछेंगे यार ये तो फिर तो हम फोन से ही बात कर लेंगे, हमको वॉकी टॉकी की जरूरत क्या है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बोलना चाहता हूं कि हम वॉकी टॉकी यूजुअली अगर आप वॉकी टॉकी के कस्टमर हैं या वॉकी टॉकी लेना चाहते हैं तो आप क्यों लेना चाहते हैं, दो रीजन। अगर आपको बार बार आपकी टीम से आपके लोगों से बात करनी है तो आपको वॉकी टॉकी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉकी टॉकी में सबसे बड़ा फायदा यह है, वॉकी टॉकी में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बार बार सिर्फ एक बटन दबा करके बात कर सकते हैं। अदरवाइज फोन कॉल में क्या होगा, आप पहले नंबर डायल करेंगे,
फिर कॉल करेंगे, सामने वाले ने उठाया नहीं उठाया, फोन बिजी है उसका, वो आंसर ही नहीं करना चाहता, और अगर कम्युनिकेशन क्रिटिकल है तो आपको उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होंगे। यहां ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। यहां तो इसका स्पीकर दोस्तों 4 वाट का स्पीकर आता है, इतना पावरफुल इसका साउंड है, अगर मैं यहां से बोलूंगा तो मेरे ऑफिस से दूर तक आवाज जाएगी, तो इसमें ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए 10 वॉकी टॉकीज आपकी टीम के पास हैं और आप कम्युनिकेशन क्रिटिकल पे कोई बात करते हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या पर्सनल यूज के भी ले रहे हैं या कोई यूनिट है और आप सब और बार बार फ्रीक्वेंट आप में कम्युनिकेशन होता है, तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स एक्चुअली वॉकी टॉकी 1 2 3 4 5 6। तो आप फ्रीक्वेंटली इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल रहा है जिसमें आपको ना लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, ना आपको रिपीटर लगाने की जरूरत है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइसेंस फ्री, बिल्कुल लाइसेंस फ्री टेक्नोलॉजी है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें ओनली द ओनली माइनस पॉइंट इज ये उन लोगों के लिए शायद अच्छा काम नहीं करेगा जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क या टावर बिल्कुल नहीं है, जहां मोबाइल की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। यूजुअली मैंने देखा है मेजरली जितने वॉकी टॉकी यूजर्स से मैं मिला हूं, मैक्सिमम सब वहीं मैक्सिमम यूजर्स ऐसे अर्बन एरियाज में हैं जहां ऑलरेडी सेलफोन्स हैं, लेकिन उन्होंने सेलफोन्स के ड्रॉबैक को देखते हुए, उनके यूजेज को देखते हुए, एक इंटरकॉम कनेक्टिविटी को देखते हुए वो लोग वॉकी टॉकीज यूज करते हैं। तो फिर भी अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां नेटवर्क नहीं है तो फिर ये आपके किसी काम का है नहीं। हाउएवर ऐसी बहुत कम जगह हिंदुस्तान में जहां आज मोबाइल नेटवर्क नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बाई चांस ऐसी जगह हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है लेकिन वहां ब्रॉडबैंड अवेलेबल है, वहां किसी तरह की लीज लाइन है या कोई वाईफाई हॉटस्पॉट है, तो भी ये आपके लिए वही काम करेगा क्योंकि आप वाईफाई के थ्रू भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, दूसरा अगर आप इसकी बॉडी का फिनिश देखेंगे तो इसकी जो पीवीसी की जो बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी, बहुत बढ़िया क्वालिटी की बॉडी है, मिलिट्री ग्रेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कलर डिस्प्ले भी इसका बहुत अच्छा है, मैंने आपको बैटरी के बारे में ऑलरेडी बताया था। अच्छा चार्जर इसमें बाय डिफॉल्ट ही आता है, आप चाहें तो इसमें डॉकिंग चार्जर ले सकते हो, वैसा स्टैंड जैसा जो आता है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, करीब करीब 2000 के आसपास की उसकी कॉस्ट होनी चाहिए उस डॉकिंग चार्जर की। अदरवाइज इज सिंपल, वेरी सिंपल चार्जर, ये ट्रैवलिंग चार्जर, अगर आपकी कार में भी चार्जर है तो वहां भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ट्रैवल चार्जर से भी चार्ज हो सकता ही है, सब हो सकती है इसकी बैटरी। ये देखिए दोस्तों, ने यहां लगाया है। दोस्तों जो मैं आपसे लोकेशन की बात कर रहा था कि इसमें लोकेशन की भी खास बात है, तो लोकेशन की सबसे बड़ी जो खास बात इसमें यह है कि जब आप इसमें जीपीएस लोकेशन एनेबल कर लेंगे तो आप इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, बट जब इट कम्स विद वेरी नॉमिनल कॉस्टिंग, आप उससे रियल टाइम में हर हैंडसेट की जियो लोकेशन आराम से देख सकते हैं कि सेट कहाँ है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि कोई इस टेरिटरी या इस ज्योग्राफिकल लोकेशन से बाहर निकले हो तो आपके पास अलार्म जनरेट हो जाए तो वो भी हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके एम्प्लॉयज को या आपकी टीम को सेट दे रखे हैं और आप चाहते हैं कि अगर वो जैसे ही आपकी सिटी लिमिट से बाहर निकले तो आपको अलार्म जनरेट हो जाए, तो वो सॉफ्टवेयर आपको अलार्म भी जनरेट कर देगा और आप रियल टाइम उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं कि ये सेट की लोकेशन क्या है। तो ये हर उस इंसान के लिए बहुत अच्छा फीचर है जो अपनी टीम को या अपने टीम मेंबर्स को ट्रैक करना चाहता है, ज्योग्राफिकली मॉनिटर करना चाहता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है। तो थैंक यू सो मच, और इसकी डिटेल अभी करंट प्राइसिंग कैसे खरीद सकते हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, एंड वी विल मेक मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।